आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम रसीला हलवा। श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और आए दिन सभी के घरों में मीठा तो बनता ही रहता है। अब मीठे में चाहे कोई खीर बना ले, सेवाइयाँ बना ले या कोई मिठाई बना ले, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का सुपर टेस्टी हलवा। लेकिन इस हलवे को मैं बहुत ही कम घी में बना के तैयार करूँगी। यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है अगर हलवे को इस तरीके से बनाया जाता है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच के जितना घर का शुद्ध देसी घी ले लिया है। इसको हम पैन में डाल देते हैं, घी को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1 कप के जितना बेसन डाल देंगे। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने बारीक वाला बेसन का ही इस्तेमाल किया है और इसको पहले ही छान भी लिया था। अब हमें गैस का फ्लेम कर देना है लो और मीडियम के बीच में और कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। इसको भूनते वक्त इसमें लम्स भी बन सकते हैं, मोटी मोटी आपको डलिया भी नज़र आ सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर कम घी का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से इसमें डलिया ज़्यादा बनती है। आपको ये लगातार चलाते रहना है और जो ये डलिया इसमें बनती जा रही है इनको साथ ही साथ मैश भी करते जाना है, क्योंकि अगर ये डलिया बनती चली गई तो बाद में ये कवर नहीं हो पाती है और हलवा हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर बेसन को भूनते भूनते लगभग मुझे 4 मिनट हो चुके हैं और हल्का हल्का सा बेसन भी भून चुका है। मुझे यहाँ पर ये बेसन काफ़ी भूरा भूरा सा नज़र आ रहा था तो यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच घी और डाल दिया है, यानी कि 2 छोटा चम्मच घी मैंने पहले डाला था और 2 छोटा चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसको हमें भून लेना है जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। यहाँ पर देखिए लगभग में 6.5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बेसन का टेक्सचर बिल्कुल सुनहरे कलर में आ चुका है और बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बेसन हमारा भून के तैयार है। गैस को हम बिल्कुल लो कर देते हैं और 3 कप के जितना पानी डाल देंगे। 1 कप बेसन के सामने 3 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और 1 कप के जितनी ही चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना मीठा पसंद करते हो। अब हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और कम से कम इसको 5 मिनट के लिए लगातार चलाना है। हो सकता है हलवे के अंदर आपको थोड़े से लम्स नज़र आए, देखिए इस तरीके की डलिया। ये डलिया कुछ इस वजह से बन जाती है क्योंकि हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल कम किया है, उसके वजह से हल्के हल्के से लम्स बन जाते हैं। लेकिन इनको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से फेंटते हुए अच्छे से मैश करते हुए हलवे को बना के तैयार कर लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इसमें लम्स बने हैं इससे हमारे हलवे का टेक्सचर या टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे और हलवे में वही टेस्ट आने वाला है जो नॉर्मल हलवे में आता है। लास्ट में आकर 1 छोटा चम्मच के जितना घी मैं और यहाँ पर डाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। 1 छोटा चम्मच के जितना इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने से चीज़ों में या फिर किसी भी रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर इसको मैश करते करते लगभग मुझे 4 से 4.5 मिनट हो चुके हैं और जो हलवा है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। तो मुझे इसी तरीके का हलवा खाना ज़्यादा पसंद है। अभी ये गर्म है तो आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो आप इसको किसी प्लेट में डाल के इसके पीस भी कट कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा बेसन का बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और कम घी में बना हुआ हलवा बनके तैयार है। अब आप चाहते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को डालना, तो आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स को भी काट के डाल सकते हैं, उनसे बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और ऊपर से गार्निश कर दिया है थोड़े से कटे हुए बादाम डालकर। 1 चम्मच के जितना घी मैंने और डाल दिया है ताकि सर्व करने में अच्छा लगे। आई होप दोस्तों आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में या फिर नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।